तो यार एक बार आपका फिर से बहुत वेलकम हो गया हमारे नए ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। एलेक्स आज क्या है? ईद आज है, ईद। तो मेरी और एलेक्स की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो सबसे पहले तो हमें जाना है आज नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज होती है। चले चल यार, बहुत देर हो गई वैसे भी। अरे तू भी नमाज पढ़ेगा? हाँ यार, अल्लाह भगवान एक ही बात तो है सब। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, अल्लाह भगवान सब एक ही बराबर है। बाकी यार सबसे पहले चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। एलेक्स तो नहीं पढ़ेगा, मजाक कर रहा है, मैं पढ़ूंगा सिर्फ नमाज। तो चलते भाई और देखते हैं आज पूरे दिन हमें क्या करना है। चले चलो चलते हैं। I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. तो यार आ चुके हैं हम लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए। मैं हूँ, एलेक्स है, पीछे करण भाई हैं। करण भाई स्पेशल आए हैं ड्रोन से वीडियो बनाने के लिए ईदगाह की, मतलब जो नमाज पढ़ेंगे उसकी वीडियो बनेगी, तो उसको बनाने के लिए स्पेशल करण भाई को बुलाया गया है। फिलहाल चलते हैं, अभी जो टाइम है आधा घंटा है नमाज में, तब तक ड्रोन सेट करते हैं अपना। बाकी यार एलेक्स मेरा फुल सेटअप तो दिखा दे आज मैं कैसा लग रहा हूँ। सही है ये? आज पहली बार पहनी है मेरे इस टाइप के कपड़े, पठानी सूट। नाइस, थैंक यू। और यहाँ पर बच्चों ने तमाशा लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं ड्रोन वाले भैया। क्या देखने आए हो? ड्रोन देखने आए हो? भाई तेरी वजह से भीड़ लग रही है ये। समझा? तो यार अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, और जो मेरा ये आईफोन है इसमें बनेगी ड्रोन की वीडियो, ड्रोन से कनेक्ट होगा ये। तो अब आप लोग ड्रोन के शॉट देखना इसमें, ठीक है? नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है और अभी नमाज के बाद सबसे मेन काम होता है ईद मिलने का, लोगों से गले मिलने का। तो चलो भाई लोगों से मिलते हैं, सब लोग आए हुए हैं। उसको नहीं मिलेगी, मिली नहीं यार। चलो चलो चलते हैं, अब तू भी मिलेगा। अरे हां जा रहा है, नहीं मिलेगा तो चल जाएगा। तो भाई सबसे गले मिलके हम लोग आ चुके हैं, मतलब ईद मिलके। और इस बार मैंने इतनी लोगों से ईद मिली है, इतनी लोगों से ईद मिली है लाइफ में कभी मिली नहीं थी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। फिलहाल तो घर चल रहे हैं, घर चल रहे हैं, धूप भी लग रही है, भूख भी लग रही है, तो चलो घर चलते हैं, कुछ खाते हैं चल के। तो अभी नमाज पढ़ के हम लोग अपने घर पे वापस आ चुके हैं और अभी बैठ गए हम लोग अपनी कार में और जा रहे हैं पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, मतलब इंस्टाग्राम के लिए कुछ फोटोज अपलोड करनी है ईद वाली, तो उसको क्लिक करने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं, चलो। तो हम लोग जंगल में आ चुके हैं फोटो शूट करने के लिए और मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं करके कि कौन कौन है ये लोग। हाँ भाई, क्या क्या नाम है आपका? नितिन अंसारी। नितिन अंसारी। और तेरा? मेरा मोहम्मद अलेक्स अंसारी। अलेक्स अंसारी। तेरा? नदीम अंसारी। नदीम अंसारी। और आसू अंसारी। आसू अंसारी। चलो भाई अंसारी गैंग आ चुकी है हमारे साथ और करते हैं फोटोज क्लिक। फोटोज हम लोगों ने क्लिक कर लिए हैं और फोटोज आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हमारे इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे भविष्य उस्ताद को फॉलो कर लेना, वहाँ आपको फोटोज दिख जाएंगे। बाकी फिलहाल फोटोज क्लिक हो गए, अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। घर पे बिरयानी हमारा इंतजार कर रही है, तो चलो बिरयानी खाते हैं चल के। तो भी बिरयानी खा के हम लोग आ चुके हैं और भाई बिरयानी कैसी लगी? मजा आ गया भाई बिरयानी का। फिलहाल घर पे चलते क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ फोटोज अपलोड करनी थी जो हम अभी क्लिक करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, स्टूडियो में वाईफाई है, तो वहाँ चल के अपलोड करते हैं। तो भाई हम लोग घर पे आ चुके हैं और क्या चाहिए आपको? वालेकुम सलाम। क्या चाहिए लेकिन ये तो बताओ? वालेकुम सलाम। इतने सलाम क्यों किए जा रहे हैं ये तो बता। वालेकुम। मैं तो बोलता रहूँगा वालेकुम सलाम, मुझे क्या मतलब है, जो तेरा मेन मकसद है तू वो तो बता। ईदी। अरे ईदी चाहिए भाई इसको। चल ले यार ईदी ले।
वो उधर से बताते हैं ले इधर से ले ना इधर वाले क्यों पर्स में निकाल लो थोड़ा तो नहीं यार ले ना अब दे रहा हूँ पैसे तू इधर वाले नहीं तो कौन सी चाहिए पर्स पर्स में तो एटीएम कार्ड है वीडियो दिखाने के लिए दे दो खाली वीडियो में दिखाने के लिए नहीं जो रियल है वो दिखा वो रियल भाई देख वीडियो में मैं वही दिखाऊंगा जो मैं रियल में दूंगा तुझे दी ठीक है तो दिवाली दी थी दे बहुत पैसे भाई पैसे रख ली तो मैंने पहले निकाल लिए रख लिए थे यार ये दे ये वाला ले 50 का दिवाली दी थी ये अरे रख ले भाई बहुत है तेरे लिए बहुत है जो प्रॉमिस करा था वो मैंने कौन सा प्रॉमिस करा तुझसे तुमने 1000 का बोला था 1000 मैंने कब बोला 1000 वाली तेरी शकल है हालत देख 1000 मैंने कब बोला ये लेकर भाई आप लोग खुद कमेंट करके बताओ इसके लिए 50 रुपए थोड़े हैं या बहुत है भाई लोग बोलेंगे बहुत है 50 रुपए क्या करेगा तू इतने ज्यादा पैसे का ये होता जल्दी दो इतने ज्यादा पैसे को करेगा क्या तू ये तो बता मैं रैक्सिन खरीद के लाऊंगा क्या रैक्सिन करी तुमने गंदी बात यार इतना बढ़िया ईद का दिन है कर अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा सॉरी अल्लाह तो ये रख चुपचाप रख ले बहुत है यार तेरे लिए अलग नहीं ये रख क्या करेगा तू इतने पैसे का तू करेगा क्या आखिर ये तो बता मुझे अब वीडियो कटा दो सीरियस भाई मैं सीरियस ही हूँ 50 रुपए दे रहा हूँ इसको देख लो ले रख 50 रुपए तो भाई एलेक्स को ईडी देने का टाइम आ चुका है देख भाई दो नोट है तेरे पास दो ऑप्शन है कोई सा भी सिलेक्ट कर सिलेक्ट छोड़ देख भाई दो नोट है कोई सा भी सिलेक्ट कर ले पंखा भी लगाने वाले थे तू ये बता कौन सा लेगा दोनों में से ये दे तू इसमें तो एटीएम कार्ड है इसमें है नहीं कुछ चलो हटाओ खाली ले ला तो यार एटीएम कार्ड निकला पैसे हैं थोड़े बहुत पैसे हैं वो तो मेरे काम के हैं ना चल अच्छा पैसे मैं तुझे दूंगा पार्टी तू कराएगा शाम को चलो मैं कराऊंगा तू कराएगा पक्की बात है हक्का नूडल थोड़ी जो मेरे बेटा कोई खाऊंगा ऐसा है जो मेरी इच्छा होगी वो खाऊंगा ना मैं तो तू बता एक ही बार गुप्त करा दे पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ तू खर्चा करेगा लेकिन बता पूरा खर्च नहीं करूंगा तू आधा खर्च करेगा आधा आधा कर लेगा आधा पक्की बात है पक्की बात चल ठीक है ले यार तू पैसे ले ले दिखा दे ना 50 का एक और पड़ा है ना मेरे पास अरे इतने जी हां ये भी भाई ये नोट देखो इसकी शक्ल पे मैच कर रहा है ये नोट इसको कोई 2 रुपए दे दे उसमें खुश जाता है इसको 500 का नोट मिल रहा है पूरा इच्छा नहीं हो रही इच्छा नहीं हो रही देने की यार रहने दे यार छोड़ तो भाई एक और नोट आ चुका है और किसको चाहिए ये मेरी तरफ से आते भाई को ए तेरी तरफ से ला इसकी जेब से निकाल पैसे निकाल इसकी जेब से निकाल अपनी मर्जी से तूने बोला मेरी तरफ से आंसू भाई को अब कुछ तो देना पड़ेगा आंसू भाई को मैं दे रहा हूं मैं तो 500 का दे रहा हूं तू दे अब कौन सा देगा दे वापस देने की नहीं हो रही आंसू रख लिए बड़ा है तो सही है भाई सुन लो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं ये बंदा 20 साल का है 20 साल का है ये बंदा 20 साल का 20 साल का नहीं यार कितने साल का है 18 का भाई देख तू 20 साल का है वो 18 साल का है तो कायदे में तू बड़ा हुआ तू ईद ही देगा उसको तो दे फिर अरे अरे सो दे दी गलती से सो गया चला गया चल चिल्लर ले ले भाई दे दे वापस दे दे चल वापस दे दे चिल्लर दे गलती से सो गया चला गया अरे चिल्लर दे 10 की देता मैं 10 का बोल रहा था अरे चिल्लर दे रहे हो चल दे दे वापस दे दे उसके देख ले बड़ा मैं ये भी रख लूंगा तेरा वाला छीन के चल 10 रुपए दे दे उसको ईदी ले मेरी तरफ से तो हम लोग अभी अपने दोस्तों को कॉल करते हैं और देखते हैं भाई वो लोग क्या कर रहे हैं बुलाते हैं उनको कुछ खिलाते हैं उनको भी ईद का दिन है सबसे पहले राकेश को कॉल करते हैं हेलो हेलो अच्छा वो वाला अस्सलाम वालेकुम हिंदुस्तानी भाव बोलता है जो अच्छा हुआ ना ईद उल फितर है ना हाँ 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 बधाई हो उसके अंदर अरे बहुत बहुत शुक्रिया मैं कह रहा हूँ कुछ क्या प्रोग्राम है फिर क्या है कुछ नहीं क्या है मैं तो यहाँ दुकान में आ रहा हूँ किसकी दुकान में रोहित राज के अच्छा आजा फिर योगेश को लेके आजा बिरयानी तेरा इंतजार कर रही है योगेश को लेके आऊँ हाँ योगेश को ले आ बिरयानी इंतजार कर रही है यार तेरा और क्या सेवैया हाँ सेवैया भी है बात तो सुन हाँ तूने सलाम तो करा ही नहीं यार बिना सलाम के बिरयानी थोड़ी मिलती है अस्सलाम वालेकुम यार वालेकुम सलाम राकेश मियां वालेकुम सलाम चल आ जा फिर घर पे आ जा मुझे बिरयानी खाने के लिए करना पड़ता है बिरयानी खाने के लिए करना ही पड़ता है चल ठीक है घर पे आ जा फिर चल आ रहा हूं बाद में आ रहा हूं ठीक है तो भाई हमारा एक फ्रेंड आ चुका है मिस्टर राकेश भंडारी राकेश भंडारी तुम कुछ कहना चाहोगे सभी भाई लोगों को ईद मुबारक और बस बस बिरयानी मतलब देख रहे भाई इसका मकसद ही है कि यहाँ पे आके बिरयानी खाना तुझे पता नहीं बिरयानी के लिए क्या करना पड़ता है
कर तो दिया। हिंदुस्तानी भाव ने क्या किया था? बहुत लंबा बोला था। चल कोई बात नहीं, ईद तो मिले, गले तो मिले, बाउंसर अपना। हाँ भाई बोल तो, ईद मुबारक हो यार। सलाम करते हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको कुर्ता कितने दिलाया इसको? ये चोर लग रहा है ना सही कुर्ता पहन के, वही 420 वाला। तो अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, उतनी देर में एंट्री हो गई जिसान भाई की। जो लोग पहले से मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग जिसान भाई को जानते होंगे। रो क्यों रही हो तो बताओ? जाने का काम है तुम्हें। अरे भाई देख रहे हो, मतलब मुझसे बिछड़ने का इतना दुख हो रहा है इनको। चलो कोई बात नहीं, और हो यार वीडियो बंद हो गई। ठीक है जाओ भाई, भाई दबाओ, भाई दबाओ, चलो भाई लात मारो, निकलो यहां से। गंदी गाली नहीं, मम्मी देखती यार। अरे अरे सॉरी बोलो। सॉरी। तो यार हमारे सारे दोस्त लोग आ चुके हैं, राकेश तो पहले ही आ चुका था और दो दोस्त हमारे और आ चुके हैं, तो बिरयानी भी आ चुकी है। बिरयानी ठंडी करने से पहले हम खाना शुरू करते हैं, आ जाओ भाई। तो भाई लोगों ईद मुबारक एक बार फिर से। आपको भी ईद मुबारक। तू भी बोल दे कुछ। साल में 12 बार ईद है। मतलब तू बिरयानी के लिए ये चाह रहा है साल में? तो सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी तू है यार। अरे सच में? अच्छा सच सच बता दे अब। सच बता दे बिरयानी के लिए ना। अरे तू बड़ी जल्दी गिर पड़ा आगे। ईद मुबारक सब भाइयों। चलो भाई खाना स्टार्ट करते हैं, फिर बिरयानी ठंडी हो जाएगी वरना ऐसी चल रही है। तो अभी खाना पीना तो हम लोगों ने खा लिया। बिरयानी बहुत बढ़िया बनी थी। कैसी बनी थी राकेश? बढ़िया बढ़िया बनी थी, इसलिए 4 प्लेट खाई है इसने। ना मजाक नहीं कर रहा हूँ, चल सीरियस हो जा। बाल दे। बाकी यार मजाक से हट के, हम दोस्तों की ऐसी चलती रहती है, लेकिन जो सच है वो तो सच है। उत्तराखंड की मशहूर ये रही मिठाई, दे ये तेरे लिए गुड़ आ चुका है, गुड़ काट। मुबारक ईद मुबारक। हाँ एलेक्स को खिलाओ पहले, एलेक्स को पहले, आप पहले, आप बड़े। भाई मिठाई तो मिठाई है, करो राकेश। हाँ मिठाई, अब तो यही खिलाऊंगा अभी सर। पेटे भाई हो। मैं कह रहा कितनी खाते खाती करेगा मेरी, मतलब इतना गुड़ खिलाया मिठाई बिरयानी। तो मिठाई खा के तो खुश हो गया ये बता। हाँ ठीक ठाक गुड़ था। और कुछ इच्छा नहीं है ना? हो गया नहीं इच्छा खाने की? जा रहा हूँ यार। अरे क्या ले आया? अरे नहीं नहीं यार भाई, अरे नहीं नहीं लड़की ने मेंशन किया कि ये कैसे हो आप, बोले ट्यूब और बताओ, बोले और कुछ नहीं बॉबी स्टार से बात कर। ऐसा रियल में होता है, लड़कियां इस पे मैसेज करती हैं, ये सोचता है भाई खुश हो जाता है बहुत बंदा। बाद में जब तू मना कर देता उनको तो बोलती चलो इससे नहीं, फिर भी इसको फिर भी नहीं, या तो वो भी सच है कोई। मतलब एक होता है कि बंदा बैकअप में रखता है कुछ, ये तो बैकअप में भी नहीं रहता है किसी के। वैसे राकेश वो वाली स्टोरी तो बता। हां जी, जब छक्के मरते हैं तो क्या होता है? हां तो जैसे ही मरेगा तब रात में इसको इसके पिछवाड़े में नंगा करके ऐसे कशिश तो लेंगे पुलिया से लेके नवाब में तो घुमाते रहेंगे। अरे फिर हमें इंसान बनना है, चक्का मत बनना। अरे तो बुरा तो लगेगा भाई। और बात सुन, और चप्पले भी तो मारते हैं नंगा करके, जितने सब टूटी फूटी चप्पले सब फेंक के मार देंगे चप्पल ट्राली के पीछे बांध के। तो भाई देखो ये प्रूफ मांग रहा था कि ये छक्का है, और मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ। ट्राली के पीछे बांध के चप्पल पड़ेगी। बाकी यार आज पहली बार हुआ क्या, हम लोगों ने कार अपनी मतलब रोड पे पार्क कर दी थी,
तो बच्चों ने इसमें इतनी उंगली करी है, इतने पता नहीं क्या क्या लिखा है भाई। किसने लिखा सच बताओ? मैंने लिखा या पहले लिखा था मिटाल दिया था, फिर इसने लिखा। पहले मैंने लिखा था मिटाल दिया था। लिखा था तूने? हाँ लिखा था, फिर बाद में लिखा, बाद में इसने लिखा था। खाले माँ कसम का, माँ कसम, दादी कसम, दादी उदी कसम नहीं। हाँ मैं झूठ मान लूंगा। माँ कसम खा तो ली थी, दादी कसम का, दादी कसम पहले लिखा था और फिर ने लिखा। क्या लग रहा है? दादी की कसम, दादी की कसम, बोल परदादी की कसम खा एक बार। परदादी की कसम तूने लिखा? पहले लिखा था, फिर बाद में लिखा। किसने लिखा था? नितिन ने। तूने लिखा है? नहीं लिखा। खाले दादी कसम, झूठ बोल रहा है। दादी कसम का उन्होंने भी दिखाई है। खाली उसने पर दादी कसम खा ली उसने? नहीं खाई है, नहीं खाई है, मैंने नहीं लिखा है। तू दादी कसम खा ले? दादी कसम मैंने नहीं लिखा है। बोल दादा कसम। दादा क्यों का? अरे ये तो झूठ बोल रहा है। दादा कसम लाली भाई ने लिखा है। अर्जुन लाली भाई कौन है? लाली भाई ये मीठा। क्यों भाई तू लिख रहा है बहुत? अरे पहले लिखा था, फिर इसने बाद में लिखा था स्टाइल में। अपने चाचा की कसम खा ले एक बार, मान जाऊंगा। चाचा की कसम बाद में, पहले लिखा था इसने लिखा था। पूरे खानदान की कसम खा ली एक साइन के चक्कर में, चाचा की, दादी की, और किसकी? चाचा की भी खा ली। अब्बा की भी तो खाई थी। हाँ चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, जिसने भी लिखा है अब मत लिखना आपसे, ठीक है? कोई भी सॉरी बोलो, सॉरी। कान पकड़ो दोनों लोग, कान पकड़ो, सॉरी एक दूसरे के। चुप 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 चुप। तो भाई यहाँ पर खड़े खड़े कॉम्पिटिशन होने जा रहा है हमारा। एलेक्स जो है, एलेक्स में और कहाँ गया तू? आ जा। एलेक्स में और इसके बीच में कंपटीशन होने वाला है। पहले ये एलेक्स के थप्पड़ मारेगा, एक फिर एलेक्स मारेगा, देखते हैं कौन रोता है, ठीक है? तो भाई कंपटीशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहले मारेगा ये बंदा, फिर मारेगा एलेक्स। चल मैं तीन तक मार दे रहा हूँ। एक दो तीन। अरे 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 बहुत पड़ा यार। अब यार हम लोग का प्लान बन रहा है फैमिली के साथ कुछ बाहर खाना खाने जाने का, किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि अम्मी जो है मेरी, उन्होंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया ही नहीं है, तो आज मैं लेके चलता हूँ उनको। तो यार आ चुके हैं हम लोग रेस्टोरेंट में और एलेक्स लेके आ रहा है दादी को हमारे साथ में, तो चलो चलते हैं। हाँ भाई तू बड़ा खुश हो रहा है आज खाने को जो मिलेगा, क्यों? खाने के इधर चलो, इधर इस साइड, इस साइड चलो। कुछ नहीं खाओगी? कुछ नहीं खाओगी? ये नहीं खाएगा कुछ भी? ऑर्डर तू मत कर यार, बहुत भारी है, तभी तो कह रहा हूँ तू मत कर, रहने दे। अच्छा क्या चाट बंडा रही है। बगैर खाना पीना हम लोगों ने खा लिया, सबको बहुत अच्छा लगा खाना, और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा वो ब्लॉग तो ब्लॉग को लाइक करना, ठीक है? मिलते हैं अगले ब्लॉग में।